मेरा नाम अनूप जैन है। मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में। दोस्तों मैं एमटेक कर रहा हूँ एनआईटी त्रिची से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट की इस लेसन में। तो हम देखेंगे कि जो नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे कैसे चेक करते हैं। तो आप इस लेसन को रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए एंड अपने दोस्तों को जूनियर्स को रिकमेंड कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, इस लेसन के लास्ट में लिंक दी हुई है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसमें बात की कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट होता क्या है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि हमने एनसर्कलमेंट देखा और उसके बाद देखा हमने कंटूर, बट ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट होता क्या है। तो आइए इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों मैं टीच फॉर इंडिया के लिए एज अ कैंपेन लीडर काम करता हूँ एनआईटी तिरुची की तरफ से। मैंने गेट 2016 में 1305 रैंक हासिल की है और मैं एनआईटी तिरुची से रेड पाइन सिग्नल्स की एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बेस्ड कंपनी है उसमें प्लेस्ड हूँ। दोस्तों मैं यहाँ का जो सोशल क्लब है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब है, पीपल फॉर पीपल कमेटी, उसे हम पीपीसी कहते हैं, उसमें एज ए प्रेसिडेंट काम करता हूँ। और यहाँ का जो टेक्निकल क्लब है ट्रिपल ई एसोसिएशन, उसमें एज एन एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। मैंने अपनी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में SBITS इंदौर से कम्प्लीट की है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये हमारा लेसन 6 है कोर्स के अंदर जिसका नाम था पोलर एंड नाइक्विस्ट प्लॉट। तो आर्ग्यूमेंट से आप क्या समझते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब कोई एक स्टेटमेंट जो आपको कहा जाए कि आपको ये फॉलो करना है, जो आपको बोल दे, वो होता है आर्ग्यूमेंट। अपन जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उसका प्रिंसिपल क्या है वो हम देख रहे हैं। तो हम इसमें दो टाइप की डेफिनेशन देखेंगे, एक नॉर्मल और एक टेक्निकल। तो द नाइक्विस्ट प्लॉट्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग द मैथमेटिकल प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट है एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है। वो कैसे मैथमेटिकल है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस टाइप से आप इसको मैथमेटिकल प्रिंसिपल बोल रहे हैं। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, अगर ये कहीं पर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस टाइप का प्रिंसिपल है, मैथमेटिकल है या कंट्रोल या फिजिक्स का है या ऐसा कुछ है, तो आप इसमें मैथमेटिकल प्रिंसिपल बताइए इसको, या उसकी डेफिनेशन आ सकती है इस टाइप की एक छोटे से 1 मार्क या 2 मार्क में, तो आप इसको थोड़ा याद रखिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो मैं आपको बोल रहा हूँ एक एस प्लेन है। चलिए पहले पढ़ के सुना देता हूँ टेक्निकल डेफिनेशन कैसे लिखना है। कंसीडर द एस प्लेन लोकस ऑन एस सोन इन फिगर, लेट पी नंबर ऑफ पोल्स एंड जेड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ आर आर इनसाइड। इनसाइड मीन्स एस प्लेन के लोकस के इनसाइड है। तो अब इसके अंदर देखिए, अगर एस प्लेन का जो लोकस है इसके अंदर देखें तो हमारे पोल कहाँ हैं, सारे बाहर हैं, ये है ये है ये सारे बाहर, और जीरो कहाँ है, इसके अंदर है। तो यही मैंने लिखा है पी इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू 1। तो ये हमने देख लिया। तो अब जो हमने पहले देखा उसमें क्या है, एस प्लेन लोकस, इफ एफ एस लोकस इज ड्रॉन एस सोन इन फिगर बिलो, अगर इस टाइप से बना होता तो क्या होता कि जो हमारे ये वाले पोल है, ये वाला है, ये यहाँ बना होता तो जीरो भी नहीं होता इसके इनसाइड, ठीक है। देन द ओरिजिन ऑफ एफ एस प्लेन विल बी एनसर्कल्ड एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज डिफरेंस बिटवीन पी एंड जेड। तो यही इसका प्रिंसिपल है, यही इसका मेन इसका ग्रेविटी है वो इस सेंटेंस में है, क्योंकि इसके जो एनसर्कलमेंट है वो होगा पी माइनस जेड टाइम्स। यही यहाँ पे लिखा है एनसर्कलमेंट एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज द डिफरेंस बिटवीन पोल एंड जीरो। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि उसमें है पोल कितने हैं, जीरो इनसाइड एनसर्कलमेंट के इनसाइड, और जीरो कितने हैं, 1, तो माइनस बनाया। अब जो अपन ने पिछले लेसन में एनसर्कलमेंट पढ़ा था आप उसके हिसाब से देखिए कि आप यहाँ पे बैठिए जीरो के लिए और ये कैसा घूम रहा है, क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज के लिए क्या होता है, नेगेटिव। तो एनसर्कलमेंट कितना आ गया आपका, माइनस 1। और यही आपने प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट से बता दिया है कि ये इतना आएगा। तो एन माइनस 1 काहे के लिए आएगा, जब ओरिजिन पे आप बैठेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एक नॉर्मलाइज डेफिनेशन इसी चीज़ की। तो मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं भी पी पोल्स हैं और जेड जीरोज हैं और वो एनक्लोज्ड हैं, कोई भी रैंडम सिलेक्टेड पाथ है बट वो क्लोज पाथ होना चाहिए, तो उससे वो सारे क्या हैं, एनक्लोज्ड हैं, देन द करस्पॉन्डिंग जी एस प्लेन, मतलब जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जी एच प्लेन बोलता हूँ उसको, जी एच प्लेन एनसर्कल्स द ओरिजिन विथ पी माइनस जेड टाइम्स। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पी जीरो पी पोल हैं और जेड जीरो हैं और वो एक कोई भी रैंडम क्लोज्ड पाथ है उससे एनसर्कल्ड हैं, तो जो हमारा ओरिजिन होगा उसका एनसर्कलमेंट होगा पी माइनस जेड टाइम्स। ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको जनरलाइज समझनी। हमेशा पी क्या होता है, पी से चेंज की डायरेक्शन होती है, बट जो जीरो होता वो
कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं करता है। तो ये दोनों के इफेक्ट है कि पोल आएगा, पोल अगर आप उसके एनसर्कलमेंट के अंदर जा रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, पर जीरो जा रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप स्टडी करेंगे। अब इसके कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं कि द रेंडम सिलेक्टेड पाथ शुड नॉट पासिस थ्रू एनी पोल और एनी जीरो। तो जो हम ये रेंडम सिलेक्टेड पाथ ले रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ ले लिया रेंडम सिलेक्टेड पाथ कुछ भी, तो ये ना तो किसी पोल से जाना चाहिए और ना ही किसी जीरो से जाना चाहिए, ये हमने यहाँ पे तय कर लिया है। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू द टोटल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो जो मैंने आपको शुरू में पिछले का कंटूर बताया था पिछले लेसन में, तो उसे मैंने बताया था कि सारा का सारा जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। द सिलेक्टेड टोटल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन विद रेडियस ऑफ इन्फाइनाइट इज कॉल्ड द नाइक्विस्ट कंटूर। जो हमने पिछले में नाइक्विस्ट कंटूर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पे पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है कि नाइक्विस्ट कंटूर एक्चुअली में होता क्या है। हमें बेसिकली इसमें केवल प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट में जो ये सेंटेंस है, ये इतना से चीज़ ध्यान रखना है, एन इज इक्वल टू पी माइनस जेड। यहाँ पे एन क्या है, एनसर्कलमेंट है, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, और जेड क्या है, नंबर ऑफ जीरोज है। बट नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो है क्या है, ये पीक है क्या। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें तो उसमें आप ऐसा लिखते हैं, तो ये क्या है एन, अगर आप एक्चुअली में देखें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एन की आपको बताएंगे, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब -1, j0 या -1, j0, जो एवेंस मेथड से आए, जो हम अभी तक देख रहे हैं। और ये पी क्या है, पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन द राइट हैंड ऑफ एस प्लेन। मतलब कितने राइट हैंड साइड में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी ट्रांसफर फंक्शन की, उसमें कितने पोल राइट हैंड साइड में हैं एस प्लेन में के, तो वो हो गए पी। और जेड क्या है कि जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन द आर एच एस प्लेन। मतलब कि जो भी राइट हैंड साइड में एस प्लेन है उसके, अगर इनको दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो पी है वो क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल हैं, और जो जेड के हैं वो क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल है। कहाँ पे, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, एन एनसर्कलमेंट है अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट -1, -1, j0, और पी अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के राइट हैंड साइड के पोल है, और जेड क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के राइट हैंड साइड के पोल है, और प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, एन इज इक्वल टू बी माइनस जेड, दैट्स इट। तो दोस्तों ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्चुअली में होता क्या है और देखना कैसे है। आपको क्वेश्चन आएंगे, सिंपली आपसे पूछा होगा कि इसका एनसर्कलमेंट कितना है, यहाँ पे कितना पोल है, ये स्टेबल होगा कि नहीं, इसकी वजह से कैसे जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है, वो हमारा नेक्स्ट लेसन है, तो मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो बताया वो आपको बहुत क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। आप इस लेसन को प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए एंड दूसरों को रिकमेंड कीजिए। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारी अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। थैंक यू दोस्तों।